क्वेश्चन नंबर टू, मेक अ पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बुक्स इन अ लाइब्रेरी. एक लाइब्रेरी में जिस सब्जेक्ट की जितनी बुक्स हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, उसके बेसिस पर आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है. यहाँ पे आपको बुक्स के नेम दे रखे हैं और बुक्स कितने नंबर, बुक्स के कितनी सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है. इसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है, सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालना होगा. सेंट्रल एंगल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो आप ऐसे लिख लेंगे, नेम ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स का टोटल कर लेंगे क्योंकि हमें टोटल चाहिए, टोटल वैल्यू चाहिए. सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट. तो हमें क्या कंपोनेंट दे रखा है, बुक्स दे रखी हैं. तो पहला वैल्यू कितनी है बुक्स की, इंग्लिश बुक्स कितनी है 400, तो यहाँ लिखेंगे 400 अपॉन टोटल वैल्यू 2000 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. ऐसी सारी वैल्यूज लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 600 अपॉन टोटल वैल्यू 2000 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. अब इनको क्या करेंगे, इनके सेंटर एंगल निकालने के लिए कैलकुलेशन करेंगे. सबसे पहले हम 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, इस वाले 0 को इससे कैंसिल कर देंगे, नीचे ऊपर के 2 0 नीचे वाले 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे. अब हमारा नंबर बचा 4, यहाँ बचा 36, यहाँ बचा 2. अब हम ऊपर नीचे नंबर क्रॉस करेंगे. 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 टाइम, 2 1 ज़ा 2. 2 के टेबल में 4 कितने बार आता है, 2 बार, 2 2 ज़ा 4. हमें ऊपर नीचे के दोनों नंबर सेम टेबल से कट करने हैं. अब यहाँ बचा 1, ऊपर बचा है 2 और 36, तो नीचे 1 बचा है, अब नंबर और ज़्यादा नहीं कर सकता. तो हमारा ऊपर क्या बचा है, 36 मल्टीप्लाई 2, 36 टू ज़ा हो जाएगा 72 डिग्री. इसकी कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ऊपर के 2 0 नीचे के 2 0 से कैंसिल. 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम और 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम. नीचे कोई नंबर नहीं बचा है, 1 बचा है, तो 36 थ्री ज़ा हो जाएगा 108 डिग्री. यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ऊपर के 2 0 नीचे के 2 0 से कैंसिल. लेकिन यहाँ दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है 3. एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर, तो ये आपस में नहीं कटेंगे. अब इनको इन वाले नंबर को डिवाइड करके देखते हैं, 2 1 ज़ा 2. 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता है, 2 के टेबल में आता है 2. 2 1 ज़ा 2 और 1 जो है वो यहाँ पर कैरी दे देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 16, 2 8 ज़ा 16. नीचे कोई नंबर नहीं बचा है, ऊपर बचा है 18 मल्टीप्लाई 3, तो 18 3 ज़ा 54. यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल, ऊपर के 2 0 नीचे के 2 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 36 टू ज़ा हो जाएगा 72 डिग्री. ये 0 इससे कैंसिल, ऊपर के 2 0 नीचे के 2 0 से कैंसिल. ये फिर इवन नंबर हो गए, ये ऑड नंबर हो गए, जैसा अभी था सेम नंबर है वही वाले, तो हमारा आ जाएगा कट करके 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 यहाँ चला जाएगा, हो जाएगा 16, 2 8 ज़ा 16, 18 3 ज़ा यहाँ हो जाएगा आपका 54 डिग्री. तो जो भी आपका सेंटर एंगल निकला है इसके बेसिस पे आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है.